उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि नशे के खात्मे के लिए राज्य सरकार जल्द ही सख्त कदम उठाने जा रही है, जिसके बेहतर परिणाम जल्द देखने को मिलेंगे। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में एक पत्रकार वार्ता के दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार की राजनीति इच्छा शक्ति है कि नशे के सौदागर को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसे किसी भी तरीके का संरक्षण प्राप्त हो। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ सख्त कानून बनाने और कानून में संशोधन के प्रदेश सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है, ताकि नशे के व्यापारियों को कड़ी सजा दी जाए। एक बहुत ही क्लियर एंड लाउड मैसेज जो है हिमाचल प्रदेश में हम दे रहे हैं कि सिंथेटिक ड्रग्स में जो भी पाया जाएगा उसकी जांच जो है तो हम बैक टू बैक कर रहे हैं कि कहां से एक्चुअल शुरू हुआ। एक तो स्मॉल क्वांटिटी में किसी के पास पकड़ा जा रहा है, वो तो दोषी है, लेकिन ओरिजिनेट कहां से हुआ, तो वहां तक द्वारा हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और इस मामले से जुड़े हुए जो स्मगलर्स हैं या इसको लाने वाले लोग हैं, उन पे हम जो है कड़ा एक्शन करने का हमने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है। सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि हमने नशे के सौदागर इस प्रदेश में हम बख्शेंगे नहीं। उप मुख्यमंत्री, जिनके पास परिवहन विभाग भी है, ने कहा कि HRTC में 15 साल पुरानी बसों को हटाया जा रहा है और अब तक करीब ऐसी 150 बसों को रूटों से हटा दिया गया है। जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं वो सड़क से हटा दी गई। सरकारी गाड़ियां जो है 15 साल वाली हट रही हैं। हमारी अपनी परिवहन निगम की 150 बसें इस दफा जो है इस महीने सड़क से हटी हैं। 15 साल का कानून देश का कानून है, अब वो गाड़ियां सारी हट रही हैं। बहुत बड़ी संख्या में सरकारी गाड़ियां, पहले फैसला किया कि सरकारी गाड़ियां हटेंगी। हमने अभी 150 गाड़ी हमने टाटा की मंगाई है, वो आ चुकी है यहाँ पे, और 11 हमने वॉल्वो भी मंगाई है, कल हमने उसके फ्लैग ऑफ किया है। उसके बाद 15 गाड़ियाँ अभी स्मार्ट सिटी धर्मशाला के लिए आई हैं, इलेक्ट्रिक हैं। 20 गाड़ियाँ शिमला के लिए आई हैं।